बहुत लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग क्या करते हैं, फिजिकल से एक दिन पहले दौड़ते, दो दिन पहले पढ़ते, वहाँ बॉडी आपकी थकी हुई है, क्या आप परफॉर्मेंस दोगे, आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों की जो उत्तराखंड आबकारी पुलिस फिजिकल की उपरक्षक है, ये जो परिवहन में कॉन्स्टेबल की भर्ती की फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, और जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है उन लोगों का भी फिजिकल अच्छा होगा, और आप अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले जो इतने दिनों से फिजिकल हुआ है उसके सारान से बात करेंगे कि कैसा फिजिकल हुआ है और हमको क्या गलती नहीं करनी है जो पिछले वालों ने गलती करी है। मेरे पे कई स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैंने 1500 मीटर नहीं मारे गई, मेरे से 1500 मीटर दौड़ने के बाद मेरे से 4.5 किलोमीटर जो 5 किलोमीटर की रेस है वो नहीं हुई, उसको कैसे करना, सर मेरे से लॉन्ग जंप में ये दिक्कत आ रही थी और मेरे को चिन अप नहीं हुए, तो उस चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो फिजिकल है उसमें हमको क्या किस तरह से अपनी चीज़ों को ध्यान देना है। बहुत से लोग गलती कर दे रहे हैं कि क्या मेडिकल में गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर वो किस तरह से अपना डॉक्यूमेंट नहीं ले जा रहे हैं, या क्या कर रहे हैं वो फिर दौड़ते समय दिक्कत आ जा रही है उनको कि एक रेस के बाद तुरंत दूसरी रेस कैसे दौड़े, वो अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान नहीं रख रहे। तो हमें वो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें फिजिकल वाले दिन एक दो दिन पहले अपना खाने पर बड़ा ध्यान देना है। हमको क्या करना है, शकलकंदी बहुत कार्बोहाइड्रेट है, केले ज़्यादा से ज़्यादा लेने, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना। पानी किस लिए लेना है, क्योंकि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। कभी कभी क्या होता है हम पानी नहीं लेते जिस कारण हमारी मसल टूट जाती है, हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाती है, हमारी मसल दिक करती है, दर्द करती है, पेन करती है। तो जिसको भी मसल्स में पेन हो रहा हो वहाँ क्या करे, हमें फिजिकल से ये दो दिन पहले आपको रेस्ट लेना चाहिए, अच्छा सा रेस्ट, यानी कि कल आप अच्छे से दौड़ का है, परसों भी दौड़ का है, फिजिकल से दो दिन पहले आप हल्का कर दे, थोड़ा सा वार्म अप वगैरह करें, थोड़ा घूम ले टहल लें, पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी फिजिकल। बहुत लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग क्या करते हैं, फिजिकल से एक दिन पहले दौड़ते, दो दिन पहले पढ़ते, वहाँ बॉडी आपकी थकी हुई है, क्या आप परफॉर्मेंस दोगे, आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको दो दिन पहले क्या करना है, आपको आराम करना स्टार्ट कर देना। दो दिन पहले आप वर्कआउट नहीं करें, थोड़ा बहुत घूम लें, स्ट्रेचिंग कर लें, वार्म अप कर लें, अपनी बॉडी को कूल कर ले, मसाज कर ले, सबसे बढ़िया धूम तेल लगा के नहा धो के तेल लगा के मालिश करें अपनी बॉडी को, एकदम तो रिलैक्स करें, अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, फिर आप फिजिकल देने जाए। ये नहीं कि आप कल दौड़ के आए और अगले दिन सुबह फिजिकल देने का, उससे मैं गारंटी देता हूँ आपका 60 नंबर का फिजिकल भी हो रहा होगा या आपका 58-55 नंबर का हो रहा होगा, वो आपका 50 नीचे डाउन चलाएगा, कभी कभी आप वहाँ फेल हो सकते हो। तो आप ध्यान रखें, दो तीन दिन पहले रेस्ट ले, अच्छे से केले वगैरह डाइट में ले, अपने केले लें, केले बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देगा, चावल खाएं, बहुत जाने कहते हैं कि चावल से मैं लेथार्जिक होता हूँ या मेरे को सुस्ती आती है, ऐसा कुछ नहीं है, चावल अच्छे से ले, क्योंकि जो ऐसे खाने ले जिससे इजीली डाइजेस्ट हो जाए। बहुत से लोग दिक्कत आती है कि ये करे वो करे, दूध ले, केला लें, आप चने वने खा सकते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं जो कहना चाह रहे हैं, कहने से जो आपको बात करना चाह रहा हूँ, आप क्या करें, एक दो दिन पहले आप इलेक्ट्रोल पाउडर आता है ग्लूकोन डी या इलेक्ट्रोल पाउडर, आप दिन में 4 लीटर पानी मिनिमम जाड़े के टाइम पिए, आपकी मसल्स को इंजरी से बचाना है, आपको फिजिकल में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, आपको गला सूखने नहीं देना है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर मेरा गला सूख जा रहा है या दौड़ते दौड़ते, तो वही है ना, आप इलेक्ट्रोल पाउडर ले, अपने साथ इलेक्ट्रोल पाउडर डाल के ले आए, जैसे एक रेस खत्म है दूसरी रेस के बीच में इलेक्ट्रोल पाउडर ले, केले खाएं, चने वगैरह खाएं, ये चीज डाइट में ले। सबसे पहले हम ग्राउंड गए, जब हम जाते हैं तो अपने सबसे पहले क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, जो जो आपने लगाए थे हाइट वेट के लिए जो भी अपना, तो उसके बाद हाइट चेस्ट, आपकी हाइट नपेगी, उसके बाद आपका चेस्ट नपेगा। बहुत लड़के चेस्ट फुलाने में बहुत दिक्कत करें, तो आप चेस्ट पर थोड़ा ध्यान दें, आप अच्छे से फुलाएं, बहुत लड़के बाहर हो जाते हैं चेस्ट में, आप नॉर्मल चेस्ट रखें। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाप देना है, हाइट वाइट हो गई, उसके बाद क्या करना है, आपको ले जाएंगे वो आपको बोल थ्रो कराने के बाद आपको जैसे टोली बन जाती है, 50-50 लड़कों की टोली, जैसे 250 बच्चे आए तो 50-50 लड़कों की टोली बट रही है, उसके बाद 250 बच्चों में से जो बच्चे आए उनका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हाइट चेस्ट, उसके बाद आपको बोल थ्रो के लिए ले जाएंगे, उसके बाद आपसे चिनअप लगाएंगे, जैसे और जो उपरीक्षक जो SI वाले हैं उसको निकाल देंगे हेड चेट से, जिसका ठीक है ठीक है, वो लड़कियों का वजन तुल रहा है। उसके बाद आप लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप बहुत लड़के गलतियां करते हैं कि लॉन्ग जंप में बहुत लड़के फाउल करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि लॉन्ग जंप जो 15 फीट मांग रखा ना, वहाँ 20% ही बच्चे पास हो रहे हैं लॉन्ग जंप में, 20-25 इतने बच्चे परसेंट हो रहे हैं। मैंने जो एक हमारे यहाँ सिपाही है उससे मैंने बात करी थी, जो इस टाइम फिजिकल में प्रेजेंट, वो यही बता रहा है कि वो 25% बच्चे फिजिकल में, बस 25% बच्चे पास हो रहे हैं। देख लो, आप अपना अच्छा फिजिकल कर पाते हो तो थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा। आपने मतलब ये मान के चलना कि अपना फिजिकल का बेस्ट देना, आपका बेस्ट फिजिकल, मान लो किसी का 55-58 नंबर का फिजिकल है ना, 100% गारंटी के साथ सिलेक्शन है उसका, चाहे वो पढ़ने में एवरेज है। ये हो गया, अगला क्या करना है, उसके बाद हमारा हाइट चेस्ट होगी, उसके बाद जो हमारी मेन है, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट तीन है, वहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट है वहाँ लॉन्ग जंप है, 1500 मीटर रेस है,
और हमारा ये 5 किलोमीटर रेस, तो सबसे दिक्कत इन 3 इवेंटों में आ रही है। बोल थ्रो फिर भी एवरेज कर दे रहे हैं, बहुत मतलब एक्सलेंट नहीं मार रहे या वो उतने नंबर नहीं मारे पर पास हो जा रहे हैं। जो लॉन्ग जंप में 15 फीट में क्वालिफाई करना है, आपका 15 फीट नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको 15 फीट लॉन्ग जंप में दिखाता है। मैंने लॉन्ग जंप पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप जाके देखें चैनल पर, एक से एक बेस्ट वीडियो आपको लॉन्ग जंप की आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। मैंने सारी बताई है कि आप लोग क्या दिक्कत करते, कुछ लोग क्या करते। दो सबसे बड़ी मेजर दिक्कत मैंने देखा था, मेरे को वीडियो भेजी थी मैंने उनको देखा था कि लॉन्ग जंप में क्या करते हैं, कूद तो अच्छा रहे, कूदते समय क्या करते रहे, जब कूदने पर आते हैं वहाँ क्या करते रहे, वहाँ आपने जैसे दौड़ का आई थी जैसे अच्छे से स्प्रिंट मार का है, दौड़ का है, वहाँ आके क्या होगा, रुक गए। रुकने से क्या होगा, आपकी स्पीड जो मोमेंटम आपका 15, 16, 17 जाने वाला होगा वो यहाँ पर 14, 13, 14 ये जा रहा है। आपको क्या करना, अच्छे से दौड़ के आना है और तेजी से कूदना है। ये नहीं दौड़ के आए कि पैर कौन सा लगाना है इसमें भूल गए आप दौड़ना है अच्छे से और फिर कूदना है। ये नहीं कि आप दौड़ के आए जहाँ आपने चीता देखा, आपने देखने के चक्कर में आपने क्या कर दिया, वहाँ फाउल कर दिया या आपका लंबा ऊंचा ऊंचा पैर जाएगा। आप नॉर्मल कदम से दौड़े, जैसे मैं नॉर्मल कदम से दौड़ना है, वहाँ कोई नहीं लंबे, वहाँ रिसर्च नहीं करनी है कि आज चलो मैं वैसे दौड़ता था, मैं लंबे कदम मार के देखता हूँ। आप 100% फाउल करोगे, आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आपको 15 फीट वाली पाएंगे ना, तो आप स्पीड से आना है, स्पीड से आना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको स्पीड से आना है और फिर हाइट लेके कूदना है। ये नहीं कि आप चीते को देख रहे हैं ये कर रहे हो, लॉन्ग जंप का यही है कि आप लॉन्ग जंप ऐसे ही करेंगे, लॉन्ग जंप में आप चीते को देखने लग जाएंगे, आप लाइन को देखने लग जाएंगे या आप स्पीड मारने लगे। आपको जैसे दौड़ के आना तेजी से, वहाँ स्लो नहीं होना है, याद रखना, वहाँ स्लो हो गए आपको लॉन्ग जंप बेकार हो गया। अगला क्या, 1500 मीटर दौड़। अब ऐसा होता है कि 1500 मीटर दौड़ में आपने लगाया आपका 4.8 किलोमीटर आपसे होगी नहीं, आपने सारी एनर्जी लगा दी, क्योंकि वो भी 6 मिनट में लगानी है। 6 मिनट बहुत अच्छा टाइम होता है, ऐसे नहीं बेकार टाइम होता है, 6 मिनट बहुत अच्छा टाइम होता है। वहाँ लग ही नहीं रहा लड़कों से, 6 मिनट में मार दे रहे तो वहाँ 4.8 किलोमीटर नहीं लग रही। तो यही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने साथ केले लेके जाना है। एनर्जी, एनर्जी नहीं है क्या मारोगे आप, एनर्जी के लिए केले लेके जाना है, ग्लूकोंडी गला रखना है आपके पास भाई, रखना है एनर्जी का, रखना है ये चीज़। आप डार्क चॉकलेट ले जाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी, क्योंकि आपको 1500 मीटर दौड़वाएंगे आपसे, हो सकता है कि 15 मिनट ना हो। जो 200 करना चाहता है, जो सारी रेस को करना चाहता है, वो क्या करे, अपने साथ ग्लूकोंडी रख ले, डार्क चॉकलेट रख ले, या फिर आप ये केले वगैरह रख ले, आपके एनर्जी की चीज़ रखना है। आप भूखे पेट जब आपको सुबह 6 बजे आपकी रेस करा रहे हैं, वो सुबह 6 बजे से आप पूरे ग्राउंड में पहुँच गए, उसके बाद 8 बजे तक शाम को या 6-5 बजे तक रुकना है, आपको एनर्जी रखनी है, तो आपको केले रख लो, डार्क चॉकलेट अपने साथ रख सकते हैं। या कोई कहीं से ट्रेवल करके आ रहा है तो उल्टा सीधा ऑयली फूड ना खाए। कभी कभी क्या होता है, दौड़ते समय हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है, हमें उल्टी सी आने लग जाती है भाई। और क्या दिक्कत आ रही है, लड़के क्या कह रहे हैं, सर हमने 4 किलोमीटर में 4.5 किलोमीटर में हमने क्या नाम है 2 किलोमीटर तो अच्छी मारी, उसके बाद हमारा दर्द होने शुरू हो गया, मेरे पेट में दर्द होने शुरू हो गया, मेरा गला सूखने लग गया, मेरे हाथ में दर्द। भाई हर किसी के हाथ में दर्द होता है, मैं आज दौड़ूंगा मेरे भी दर्द होगा, कोई अच्छा धावक दौड़ेगा उसके भी दर्द होगा। भाई थकने की ऐसा मन करता है कि सर मैं तो दौड़ा था, मैं थक गया, या मैं 1.5 किलोमीटर के बाद थक गया। भाई हर किसी को थकावट होता है, उस थकावट को काटना है। आप एक अच्छे बच्चे को पकड़ ले अपने साथ, या आपका दोस्त है, फ्रेंड है, या कोई भी अननोन है, आप जो अच्छा दौड़ रहा है उसको अपने साथ पकड़ ले। ऐसा होता है कि शुरू में धीरे धीरे दौड़े, ये नहीं कि हम 5 किलोमीटर दौड़ना है, शुरू में हमने स्प्रिंट मार दी, 1 किलोमीटर के बाद हम खत्म, बेहोश, ऐसा नहीं करना है। हमको स्लो दौड़ना है, उसके बाद देखना है कि हाँ 1 घंटा हो गया, इतने मिनट बचे, आप घड़ी वगैरह ले सकते हैं। अब हमको क्या करना है, आगे से दौड़ना है, वो बताते रहते कि टाइम इतना हो गया, इतना हो गया। वो रोड रनिंग पे हो रही है भाई, अपना सूज अच्छे लेकर जाए, अच्छे पीता बांधे, क्योंकि पीते खुल जा रहे हैं बच्चों के, वहाँ रुक जा रहे हैं, टाइम खड़े हो जा रहे हैं, नंगे पैर ना दौड़ने, इंजरी होने का खतरा रहता है, कोई भी लग सकता है, कील कलाड़ा। और दौड़ते समय वही है कि अपने साथ एनर्जी रखें। जब आपको आधे घंटे का टाइम मिल रहा रेस के बीच, जो आधे घंटे का टाइम मिल रहा उसमें हमको क्या करना है, अपनी डाइट ले लेनी है। मान लो डार्क चॉकलेट खा सकते हो, अच्छे से थोड़ा सा पानी पी लिया, या आप कोई भी संतरा वगैरह खा सकते हो, कोई फ्रूट जिससे आपको एनर्जी आए, केला 2 केले खा सकते हो, पानी पी सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये मैं हम खुद दौड़ के समय यूज करते हैं। हमारी दौड़ भी मान लो एक हीट होती है, उसके बाद दूसरी हीट होती है, हम ऐसे रेस्ट हमारी भी कंटिन्यू 10-15, 20-20 मिनट के बाद होती है, तो हम भी चीज़ यही करते हैं। तो टफ है, मैं मानता हूँ, आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है, आपको सिलेक्शन करना है, तो आपको थकना नहीं है, थकावट हल्की इसको होगी। वो ये 2-1 घंटे बाद क्या नाम है, 4.8 किलोमीटर रेस कितनी देर की होती है, 21 मिनट 22 मिनट 23 मिनट, बस इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो आप इतनी देर मेहनत कर ले भाई, उसके बाद आपको वर्दी होगी, सिलेक्शन होगा, क्या करना है, मजे हैं। तो आप एक बार रुकना नहीं है, आपको दौड़ते रहना, चाहे देखो जिसको थकावट हो रही है दौड़ते रहना, हल्के हल्के दौड़ो, मत रुकना नहीं है भाई, सिलेक्शन से क्वालिफाई कर दो। हो सकता है कि आपको पेपर में नंबर अच्छे ले आओ तो क्वालिफाई कर दो, जब आपको लगे कि मैं मर गया, उसको मेरे को रुकना नहीं है, बस उसमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। हाथों में दर्द हो रहा है, मान लो किसी के हाथों में दर्द हो रहा है दौड़ते, तो थोड़ी देर हाथों को ऐसे हिला लो, थोड़ी देर नीचे करके दौड़ लो। पैर में दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए, जस्ट सेकंड के लिए रुक जाओ, पैरों को हिला सकते हो और फिर दौड़ लो। ये चीज़ है, नहीं भाई आपको दर्द हो रहा है, आप रुक गए, आपको मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं रुक गया, पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा लो,
फिर दौड़ते रहो, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए बैठ जाओ, ये चंद सेकंड के लिए रुक जाओ। मैं भी यही करता हूँ, चंद सेकंड के लिए आराम देता हूँ, पैरों को हिलाता हूँ, फिर दौड़ने पड़ता हूँ धीरे धीरे। तो ऐसा करना है, ये नहीं कि आप मेरा तो पैर थक गया, ये दिक्कत है। ये हो गया हमारा दोनों रेसों का हो गया। अपना लॉन्ग जंप का, लॉन्ग जंप में वही है कि आपको स्पीड से दौड़ के आना है, वहाँ रुकना नहीं है, पैर धीरे नहीं करना है। आप जब कूदने वाले आते हैं तभी टेक ऑफ लाइन, तो पैर धीरे कर लेते हैं, पूरा लॉन्ग जंप बेकार होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, जिनका फिजिकल बचा है। मैं वैसे इन पर वीडियो बना रहा हूँ, हर टॉपिक पे मेरे पास वीडियो है, बॉल थ्रो पे, लॉन्ग जंप है, 5 किलोमीटर कैसे दौड़ना है, 1600 मीटर कैसे दौड़ना है, क्या डाइट प्लान करना है, जो मैंने डाइट बताई उनको जरूर फॉलो करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।